अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा और दुआ। कुरान पाक में जहां रोज़े की फर्जियत का हुक्म आता है, उसके इख्तिताम पर दुआ का जिक्र भी आता है। जैसे रोज़ा एक इबादत है, इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ करना भी एक इबादत है। रोज़े के साथ साथ दुआ के बारे में कुरान पाक में कुछ यूं जिक्र आता है, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद्दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबूली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर आपसे मेरे मुतल्लिक पूछें तो उन्हें बता दीजिए कि मैं उनसे करीब ही हूं, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूं और जवाब देता हूं, लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात आप उन्हें बता दीजिए, शायद कि वो राह रास्त पा लें। इंसान अपने खालिक के साथ जिस तरह मुनाजात करता है और जिस तरह उसके सामने आहुजारी करता है, ये मखलूक और खालिक के बेहतरीन ताल्लुक पर दलील है। हर इंसान अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला का मोहताज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। ऐ लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज तारीफ वाला है। और इसमें कोई शक नहीं कि हम में से हर शख्स जरूरतमंद है, खा कोई फकीर हो या अमीर हो, बादशाह हो या रियाया हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर शख्स किसी न किसी तरह जरूरतमंद है। और इंसानों में से हर इंसान चूंकि जरूरतमंद है, इसलिए इस काबिल नहीं कि वो दूसरों की जरूरियात को पूरा कर सके। उसके लिए एक ऐसी हस्ती की जरूरत है जो सबको देने पर कादिर हो, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की हस्ती हो सकती है जिसने हमें पैदा किया और जो तमाम तर जरूरियात पूरी करता है। दीन इस्लाम में दुआ के बारे में बहुत ताकीद की गई है। दुआ मांगने की फजीलत के बारे में कई एक अहादीस हमें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नद दुआ हुवल इबादा, कि दुआ ही इबादत है। इसी तरह एक और हदीस में आता है, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء اكرم على الله من الدعاء, कि अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से ज्यादा अजमत वाला कोई अमल नहीं। यानी एक शख्स जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे हाथ उठाता है तो वो मौका बंदे की अजमत का है और अल्लाह ताला के नजदीक कुर्ब का है। कि दुआ एक ऐसी चीज है जिसके अंदर इतनी तासीर है कि वो इंसान की तकदीर तक बदल देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युरद्दुल क़दा इल्ला दुआ, कि तकदीर को कोई चीज नहीं बदल सकती मगर दुआ। दुआ उन मुश्किलात में भी इंसान को फायदा देती है जो उस पर आ चुकी हों, और उन आफात में भी फायदा मंद है जो अभी न आई हों। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नाजिल शुदा आफात और जो अभी नाजिल नहीं हुई सबके लिए नफा बख्श है। लिहाजा ए अल्लाह के बंदो, दुआ किया करो। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। दुआ करने वाले को अल्लाह ताला महरूम नहीं करते।
किसी न किसी शक्ल में इंसान की दुआ जरूर कबूल होती है, जैसा कि इस आयत में भी फरमाया गया, उजीबु दावत दाई इदा दानी, मैं बंदे की पुकार का जवाब देता हूं जब भी वो मुझे पुकारता है। ये अलग बात है कि बास दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं, बास के बदले में आफात टाल दी जाती हैं और बास आखिरत के अजर के लिए महफूज कर दी जाती हैं। और आखिरत में इंसान जब अपनी दुआओं का अजर देखेगा तो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ भी कबूल ना होती। इसी तरह एक और हदीस में आता है, तुम्हारा रब बड़ा हया करने वाला और सखी है, जब बंदा उसके हुजूर हाथ उठाता है तो उन्हें खाली लौटाते हुए उसे शर्म आती है। यानी अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करते कि बंदा उससे मांगे और वो उसे खाली हाथ लौटा दें। लेकिन आमतौर पर जब हमें ये एहसास होता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो ये एक शैतानी वसवसा भी होता है। हाँ, कबूलियत के ना होने में कुछ और वजूहात हो सकती हैं, मसलन ये कि हमारे दुआ मांगने का तरीका ही दुरुस्त ना हो, या दुआ मांगने में वो आहुजारी ना हो, वो संजीदगी ना हो, वो खुशू व खुजू ना हो जो मतलूब है। तो इसलिए जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी दुआएं कबूल हों तो उसे दुआ के आदाब से भी वाकिफ होना चाहिए। दुआ मांगने के आदाब में सबसे पहला अदब यह है कि मांगने से पहले अल्लाह सुभान व तआला की तारीफ की जाए, तस्बीह पढ़ी जाए, मसलन सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, इसी तरह अल्लाह ताला की हम्द व सना के कोई भी कलिमात, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजा जाए, क्योंकि जिस दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो दुआ रद्द नहीं होती। फिर इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो तो हमें दुआ पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ करनी चाहिए। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से कबूलियत के मुकम्मल यकीन के साथ दुआ करो, यानी ये यकीन रख के दुआ करो कि दुआ कबूल हो जाएगी। दिल में शक नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी नहीं होनी चाहिए। और याद रखो, अल्लाह ताला गाफिल और बेध्यान दिल की दुआ कबूल नहीं करता। यानी अगर दुआ कबूल नहीं होती तो उसमें खुद हमारा अपना ही कसूर हो सकता है, और हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हम दुआ के आदाब को मलहूज रखते हुए दुआ कर रहे हैं, या दुआ महज एक दुआ ही है और चंद अल्फाज ही हैं। फिर इसी तरह दुआ के लिए हाथ उठाना मसनून है, लेकिन अगर कोई शख्स हाथ उठाए बगैर दुआ कर रहा है चलते फिरते लेटे हुए तो भी दुआ कर सकता है। इसी तरह यह है कि मामूली से मामूली चीज भी अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। सहाबा कराम का तरीका यह था कि जूती का तस्मा भी टूटता तो पहला ख्याल उनके दिल में अल्लाह ताला ही का आता कि उससे मांगे। फिर इसी तरह कुछ ऐसे औकात हैं कि जिनमें अगर दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है, मसलन रात के आखिरी हिस्से में और रमजानुल मुबारक में आप हर रोज सहरी के लिए उठते हैं, वो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, उस वक्त खास तौर पर दुआएं कीजिए। इसी तरह आजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल की जाती है, उस वक्त की दुआ भी लौटाई नहीं जाती। बाज़ लोग आजान हो रही होती है और वो बोल रहे होते हैं, या ये कि आजान होती है और वो इधर उधर कामों में मशगूल हो जाते हैं और यकीन के साथ उसका जवाब नहीं देते। तो इस सिलसिले में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो कुछ यूँ है कि जो शख्स आजान का जवाब यकीन के साथ देता है, यानी तवज्जो के साथ देता है, और उसके बाद दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल की जाती है। फिर इसी तरह सजदे में दुआ कबूल होती है, जुमे के दिन एक खास घड़ी होती है जिसमें दुआ कबूल की जाती है। फिर मैदान जंग में जब एक मुजाहिद सफों में खड़ा होता है उस वक्त दुआ कबूल होती है। बारिश नाजिल होने के वक्त दुआ कबूल होती क्योंकि वह अल्लाह ताला की रहमत बरस रही होती है। फिर इसी तरह यौम अरफा यानी हज के दिन नौ जुलहज को दुआ कबूल होती है। फिर इस तरह जमजम पीते हुए दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, बहुत से लोग जमजम पी रहे होते हैं, अपने ऊपर डाल रहे होते हैं हज उमरे के मौके पर, लेकिन दुआ मांगना भूल जाते हैं, हालांकि वो भी कबूलियत की एक घड़ी है। इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती, उनमें मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, बाप की दुआ अपने बच्चों के हक में, गाजी की दुआ यानी एक शख्स मैदान जंग से कामयाब लौट रहा है, हज और उमरा करने वाले की दुआ,
जब वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा हो, और उन मौकों पर भी इसी तरह औलाद की दुआ अपने वालिदैन के लिए, जबकि वो नेक हों, वालिदैन के फरमाबरदार हों। फिर इसी तरह खुशहाली और फराह में दुआ करने वाले की तंगी और मुसीबत के वक्त दुआ कबूल होती, यानी वो शख्स जो खुशी के वक्त, आराम के वक्त, किसी परेशानी के बगैर अल्लाह ताला से ताल्लुक रखता है, दुआएं करता रहता है, तो ऐसे शख्स पर जब कोई मुश्किल आती है और उस वक्त वो दुआ करता है तो उसकी दुआ भी लौटाई नहीं जाती। वरना वो शख्स जो सिर्फ मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला को पुकारे तो फरिश्ते उसकी जब दुआ सुनते हैं तो कहते हैं कोई अजनबी सी आवाज मालूम होती है, इससे पहले तो उसने कभी अपने रब को याद नहीं किया था। फिर रोजादार की दुआ, खासतौर पर इफ्तार के वक्त, बहुत से लोग उस वक्त को भी सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते और इधर उधर की बातचीत में गंवा देते हैं। फिर बीमार की दुआ, फिर मुसलमान भाई की अदम मौजूदगी में, उसकी गैर हाजिरी में उसके लिए दुआ। फिर इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती। हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि कहीं हम तो उनमें से नहीं। और ये खासतौर पर इसलिए भी कि बहुत से लोग दुआ करते हैं और अगर फौरी तौर पर कबूल नहीं होती तो मायूस हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हम तो शायद अल्लाह ताला के नापसंदीदा बंदे हैं, इसलिए हमारी तो सुनी ही नहीं जाएगी, और वो मांगना छोड़ देते हैं। हालांकि ना मांगने पर भी अल्लाह ताला की नाराजगी होती। इंसानों से जो मांगता है इंसान उससे नाराज होते हैं, और अल्लाह ताला उससे जो उससे मांगता नहीं। अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है कि बंदे उसकी तरफ रुजू करें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और उसी से मांगे। लेकिन कुछ हालतें ऐसी हैं कि जिनसे इंसान जब तक निकलता नहीं, गुनाहों से माफी नहीं मांगता, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती, जिसमें सबसे पहले रिस्क हराम खाने वाले की दुआ, फिर इसी तरह रिश्तेदारियों को काटने वाले की दुआ, वो भी कबूल नहीं होती क्योंकि कतअ रहमी अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। फिर गफलत और लापरवाही से मांगी हुई दुआ, जैसे कोई दिलचस्पी नहीं, कोई शौक ही नहीं। फिर इसी तरह जो लोग अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम न दें, नेकियों का हुक्म न दें, बुराइयों से रोके नहीं, उनकी दुआएं भी एक वक्त आता है कि फिर कबूल नहीं होती। इसी तरह एक और बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि दुआ सिर्फ परेशानी और मुसीबत में ही ना मांगे। फिर यह कि दुआ मांगने के लिए किसी खास उम्र की कोई कैद नहीं कि आप बुढ़ापे में दुआएं मांगें, और अगर आप बच्चे हैं या जवान हैं तो आप सोचे कि अभी तो मेरे मांगने के दिन नहीं, या ये कि अगर आपके पास अपनी जरूरत की सब चीजें मौजूद हैं तो आप सोचे और क्या मांगना है। नहीं, अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान है आखिरत का, आखिरत के लिए दुआएं मांगनी चाहिए अगर दुनिया में फौरी तौर पर कोई ऐसी मुश्किल या कोई ऐसी जरूरत आपके सामने नहीं। और बच्चों को खास तौर पर दुआएं सिखानी चाहिए, उनको मांगने के आदाब बताने चाहिए, क्योंकि फिर वो जिंदगी का एक हिस्सा हो जाती हैं। और अगर हम आमतौर पर जिंदगी में चंद कलिमात आदतन भी शामिल कर लें जो कि दुआया कलिमात हैं, तो ये भी हमारे अपने लिए और जिसके लिए हम दुआ दे रहे हों फायदेमंद हो सकते हैं। मसलन अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, ये भी एक दुआ है। जजाक अल्लाह खैरन, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा बदला दे, ये भी दुआ है। फिर इसी तरह बारक अल्लाह लका, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बरकत पैदा करे। तो गोया बहुत से कलिमात ऐसे हैं जो बजाते खुद एक दुआ है, इस्लामी अखलाक और अदब का हिस्सा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आदाब से माला माल कर दे। वाखर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं दुआ से मुतल्लिक। मैडम, क्या आप किस बात की वजाहत कर देंगी कि क्या हम लोग अपनी जुबान में चलते फिरते दुआ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मांग सकते हैं। यानी दुआ मांगने के लिए ये शर्त नहीं कि आप मुसल्ले पर ही बैठे या किसी खास जगह पर बैठे या जरूरी तौर पर बावजू हो। दुआ दरअसल अल्लाह ताला के साथ एक गुफ्तगू भी है, अपने दिल का हाल सुनाना भी है, और एक ताल्लुक का नाम है। दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान एक गहरा ताल्लुक पैदा करती है, इसलिए उसके लिए फॉर्मल वे में भी मांग सकते हैं आप और इनफॉर्मल वे में भी। सुबह सवेरे जाग कर हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये क्या है? ये दुआ है। हमने वो दुआ किस वक्त मांगी? बिस्तर से उठते हुए। फिर हम टॉयलेट जा रहे हैं, हम दुआ मांग रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। वुजू करने के बाद दुआ मांग रहे हैं।
ये सब दुआएं हम कहां मांगते, इनके लिए ना तो हाथ उठाते हैं ना ही बैठते हैं। बाजुकात हम खड़े होकर मांग लेते हैं, बाजुकात चलते चलते भी मांग लेते हैं। तो चलते फिरते भी दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला से इंसान किसी भी वक्त कुछ भी मांग सकता। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।